भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ओबीसी जो हमारा मोर्चा है इनके कार्यकर्ता विशेषकर श्रीमान ब्रह्मजोत जी और इनके कार्यकर्ताओं ने जम्मू मेडिकल कॉलेज जो जम्मू संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इसके मुख्य द्वार गेट के सामने आम गरीब लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की है। हॉस्पिटल में वही लोग या वही व्यक्ति आता है जो दीन दुखी होता है, जिनको परेशानी होती है, जो अपना इलाज कराना चाहता है, और बहुत सारे गरीब लोग आते हैं, रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, बनी, बलावर, बसोली, कठुआ, सांबा, हीरानगर, रामनगर, उधमपुर, रियासी, गूल, अरनास, गुलाबगढ़, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, छम्ब, खोड़, अखनूर, दूर दराज के एरिए से। और जो गरीब लोग होते हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं पेशेंट्स के, जो बीमार हो जाता है उसके साथ जो लोग आते हैं, बहुत सारी जगहों पर उनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं होती है, पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू मेडिकल कॉलेज मुख्य हॉस्पिटल के मुख्य द्वार गेट के सामने लंगर की व्यवस्था की है। और यहाँ जो भी हॉस्पिटल के अंदर मरीजों के साथ आए हुए उनके सहयोगी साथी होते हैं उनके लिए यहाँ लंगर की जलपान की व्यवस्था की गई है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गरीब की सेवा करना, मजदूर किसान की सेवा करना ही भगवान की सेवा है, दीन दुखियों की सेवा करना ही ईश्वर की पूजा है, उस ऊपर वाले की इबादत है। इसलिए सेवा भाव से इन कार्यों को हम कर रहे हैं ताकि हमारे लोगों को, गरीब गुरबे दीन दुखी लोगों को सहायता हो, उनका कोई ना कोई सहारा बने। मैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को, ओबीसी मोर्चे के विशेषकर ब्रह्मजोत जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का नेक नीति का काम शुरू किया है, और ये काम आगे बढ़े, इनसे प्रेरणा लेकर समाज के समृद्ध जन इस प्रकार के कार्यों को और आगे बढ़ाएं, ऐसा हम सबसे अपील और निवेदन करते हैं।